Hello and welcome back everyone to our online English classes at Shri Ram College 17 RB Raisingnagar. Students, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस विच इज़ कम्पोज बाय तस्लीमा नसरीन. हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको इनका बायोग्राफी कम्प्लीट करवाया था. एक शॉर्ट बायोग्राफी हमने की थी जिसमें आपने इनके बारे में जाना था, तस्लीमा नसरीन के बारे में, इनकी ट्रेजिकल लाइफ के बारे में, किस तरीके से इनको बांग्लादेश से निकाल दिया गया था क्योंकि ये फेमिनिस्ट थी. ओके, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने लिखा है, एक्टिविस्ट थी ये, और औरतों पर बेसिकली जो अत्याचार होते हैं, जो विमेंस ऑपरेशन होता है. ओके, आपने देखा होगा कि आज की हमारी सोसाइटी के अंदर जो विमेंस हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है. आप जगह जगह देखते हैं कि रेप केसेस होते हैं, जगह जगह औरतों को जला दिया जाता है. तो कुछ टाइटल जो पोइम का है वो यही कह रहा है, एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस के पीछे क्या हो रहा है. आप देख रहे हैं कि राइट नाउ हम मॉडर्निज्म के अंदर रह रहे हैं, इंडस्ट्रियलिज्म हो रहा है, मतलब सारे जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं. तो डेवलप्ड के पीछे क्या हो रहा है, बैक सीन क्या, वो कोई नहीं देखता. एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस कि हम यहाँ पे संसार की चमक दमक देख रहे हैं कि इतनी सारी ये बिल्डिंग्स हो गई है, इकॉनमी हमारी ग्रोथ कर गई है, हमने ये कुछ बना लिया है, इस तरीके से हम एबल हो गए हैं, लेकिन उस प्रोग्रेस के पीछे क्या हो रहा है, बेसिकली किसके साथ, औरतों के साथ क्या हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता. तो वो यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की है तस्लीमा नसरीन ने अपनी पोइम के अंदर, एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस. जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं ना, कि प्रोग्रेस के पीछे क्या हो रहा है, कि जो मेल्स हैं वो सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे हैं. उनकी लाइफ है वो डबल स्टैंडर्ड लाइफ है, कि वो बाहर कुछ होते हैं, घर पे वो कुछ होते हैं. जब वो अपने ऑफिस के अंदर होते हैं या जब अपने वो वर्किंग एरियाज के अंदर होते हैं, जब अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हैं, तब वो कैसा बिहेव करते हैं, वो हंसी मजाक करते हैं, वो पार्टीज करते हैं, लेकिन जैसे वो घर पे आते हैं तो वही उनका जो एक बदला हुआ करेक्टर सामने आता है, कि वो अपने वाइफ को पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं. तो वो कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिफ्ट अप किए हैं तस्लीमा नसरीन ने. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस पोइम को. आई होप कि आपको पोइम का थीम समझ आया होगा कि थीम इसमें क्या है. तस्लीमा नसरीन है, उन्होंने ये पॉइंट आउट करने की कोशिश किया कि औरतों के साथ में किस तरीके से अत्याचार होते हैं और उनकी स्थिति कैसी है. जैसे कि आप देख रहे हैं, द पोइम इज पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन. ये पोइम एक मैन को पोर्ट्रेट करती है, कि इंसान को, वो अपीयर सक्सेसफुल एट बींग ऑन द आउटसाइड बट वो हैज अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ फिलेंडरिंग एज वेल एज रेपिंग एंड अब्यूजिंग वुमेन. कि एक ऐसा इंसान है जो सफल, दूसरों को लगता है कि ये बहुत सफल है, बड़ा सक्सेसफुल है, मतलब लोगों के बीच में उसकी इमेज बहुत अच्छी होती है, ऑफिस के अंदर उसकी इमेज बहुत अच्छी होती है, सोसाइटी में, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर उसकी इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन वो इंसान घर पे आके या जब वो औरतों के साथ में रेप करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा बोलता है, तो ये ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड लाइफ है उसकी. उसके चेहरे पर एक और चेहरा लगा हुआ है, उसका कैरेक्टर डबल है. वो लोगों के साथ में अलग बिहेव करता है, लेकिन घर पे या औरतों के साथ में उसका बिहेव अलग रहता है. तो ये पोइम उस बारे में है. फिर क्या कह रहे हैं, द पोइम इज इंडिकेटिव ऑफ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी. आपको बता चुका हूं मैं कि सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड कैसे है. इट ऑब्जेक्टिफाइज द कंडीशन ऑफ ए वुमेन इन पैट्रियार्कल विच विक्टिमाइज हर. ये एक पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है ना, किस तरीके से औरतों को उसमें विक्टिमाइज किया जाता है, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ में बुरा व्यवहार होता है, इल बिहेव होता है उनके साथ में. द पोइम एक्सपोजेस द हिडन फेस ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ पे पोइम किस चीज को एक्सपोज करती है, हिडन फेस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट है जो विकास के नाम पर, उसकी आड़ में क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, उसको उन्होंने एक्सपोज किया है. एंड पॉइंट आउट द एटीट्यूड ऑफ मैन एंड देयर जिबियस स्टैंडर्ड्स स्टैंड्स ऑन मोरालिटी. ओके, किस प्रकार से जो इंसान का नेचर है वो बड़ा ही ड्यूबियस है, मतलब ड्यूल पर्सनैलिटी है, वो घर पे कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, और किस तरीके से उनके अंदर मोरालिटी नाम की जो चीज़ है वो खत्म हो रही है, मतलब आदमियों के बीच में स्पेशली जो मेल्स हैं उनके अंदर मोरालिटी खत्म हो रही है, मतलब औरत उनके लिए सिर्फ एक इंजॉयबल थिंग है, इट्स जस्ट लाइक अ टॉय उनके लिए, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मोरलिस्टिक उनके अंदर सेंस नहीं बचा हुआ है मेल्स के अंदर, तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. बेसिकली आप देखें तो ये एक स्टायर है ना, ये एक स्टायरिकल पोइम है. यहाँ पे हमारे मेल्स पर, जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उस पर क्लियरली अटैक कर रही है तस्लीमा नसरीन स्टायरिकल वे के अंदर. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पोइम को. तो सबसे पहले उन्होंने पोइम को, देखिए इस पोइम को कंपोज उन्होंने फ्री वर्स में किया है, कोई ऐसा कोई स्ट्रेंजा पैटर्न फॉलो नहीं किया है, उन्होंने फ्री वर्स में इस पोइम को लिखा है. और इस पोइम के अंदर उन्होंने अलग अलग जो मेल्स का करेक्टर है ना, जैसे कि ऑफिस में कैसा होता है, वो घर पे कैसा होता है, होटल्स के अंदर वो कैसा होता है, पार्टीज के अंदर वो कैसा होता है,
तो हर तरीके से उन्होंने जो मेल कैरेक्टर है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है और एक स्टायर हिस्टोरिकल अटैक किया है उन्होंने, है ना। जैसे पहले वो एक ऐसे ऐसे एक मेल का कैरेक्टर हमारे सामने लेके आती है, वो क्या करते हैं द फेलो, मतलब एक ऐसा मेल है, एक ऐसा पुरुष है जो क्या करता है, वो सिट्स इन द एयर कंडीशन ऑफिस, जो अपने एसी वाले ऑफिस के अंदर बैठता है। एयर कंडीशन का मतलब ऑफिस, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि आजकल के ऑफिस बड़े आलिशान ऑफिस वगैरह होते हैं ना, तो कह रहे कि एक ऐसा आदमी जो एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर बैठता है इज द वन वो इन हिज यूथ, कहते कि वही व्यक्ति जिसने क्या किया था इन हिज यूथ, अपनी युवावस्था के अंदर रेप्ड अ डजन और सो यंग गर्ल्स, उसने मतलब पता नहीं कितनी ही लड़कियों का उसने रेप किया था जब वो यंग था, मतलब उन्होंने दुर्व्यवहार किया था लड़कियों के साथ में। एंड एट कॉकटेल पार्टीज, और जो उनकी कॉकटेल पार्टीज थी है ना, मतलब जो कॉकटेल पार्टी मतलब जो फ्रेंड्स मिलके जो यू नो शराब वगैरह पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं, तो वो पार्टीज इज सीक्रेटली स्ट्रिकन विद लस्ट। कह रही है कि जो उन्होंने जितनी भी कॉकटेल पार्टीज हैं वो सारी की सारी किस पे मतलब सीक्रेटली स्ट्रिकन, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो था लस्ट। लस्ट का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिकल हंगर की बात हो रही है, कि चाहे वो कॉकटेल पार्टीज करते थे तो सीक्रेटली उनका जो मोटो होता था वो था कि लस्ट, मतलब उन्हें बहुत सारी लड़कियां चाहिए थी या उन्हें औरतें चाहिए थी जिनके साथ वो अपनी फिजिकल हंगर को पूरा कर सकें। फैस्टनिंग हिज आइज ऑन लवलीज बैली बटन्स, आप देखिए यहाँ पे बैली बटन, आपको पता है कि हमारे जो नाभि होती है, फास्टनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, एक टक देखना। कहती कि जहां भी वो होते थे, चाहे वो अपनी पार्टी कर रहे हैं चाहे वो कहीं भी होते थे, तो उनकी नजरें सिर्फ किसको देखती थी, बैली बटन्स को देखती थी। किसके बैली बटन्स, लवलीज। यहाँ पे लवलीज का मतलब क्या है, यहाँ पे सुंदर लड़कियों की बात हो रही है, कि जहां भी उन्हें सुंदर लड़कियां दिखती थी तो उनकी नजरें बस सिर्फ कहाँ टिकी होती थी, उनके बैली बटन्स पे, मतलब उनके शरीर पे, उनकी बॉडी पे टिकी होती थी, क्योंकि वो उनकी बॉडी से अपनी फिजिकल हंगर को पूरा करना चाहते थे। देखिए कितना गंदा करेक्टर इसके अंदर एक मेल का एक्सपोज किया तस्लीमा नसरीन ने, कि जो मेल है वो ऐसा करते हैं, वो औरत को सिर्फ एक टॉय मानते हैं, अपनी लस्ट को पूरा करने का एक मीडियम मानते हैं, और किस प्रकार से वो अपने आलीशान ऑफिस के अंदर बैठता है और वहाँ पे वो बॉस होता है, लेकिन वो अपने यंग एज के अंदर उसने पता नहीं कितनी ही लड़कियों के साथ रेप किया था, और हर लड़की को वो इसी नज़र से देखता है कि वो अपनी फिजिकल हंगर को पूरा कर पाए, चाहे वो कॉकटेल पार्टीज के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ होता तो ऐसा ही करता है। फिर कहता है इन फाइव स्टार होटल्स, जितने भी फाइव स्टार होटल्स हैं, ही ट्राइज आउट हिज डिफरेंट सेक्सुअल टेस्ट्स, कि उसने जितने भी फाइव स्टार होटल हैं उसने अलग अलग विमेंस के साथ में, अलग अलग औरतों के साथ में अपनी फिजिकल हंगर को उसने पूरा किया था। टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कि अलग अलग विमेंस के साथ में, विद अ वैरायटी ऑफ वुमेन लिखा है ना उसमें, कि अलग अलग औरतों के साथ में उसने अपनी फिजिकल हंगर को पूरा करता है वो फाइव स्टार होटल्स के अंदर। देन रिटर्न्स होम एंड बीट्स हिज वाइफ, और वो पांच जो फाइव स्टार जो होटल्स हैं ना उनके अंदर जाता है और अलग अलग औरतों के साथ में वो अपनी फिजिकल हंगर को पूरा करने के बाद में जब वो घर पे आता है ना, तो घर पे आके क्या करता है, बीट्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को पीटता है, मारता है। किसके लिए, बिकॉज ऑफ एन ओवर आयन हैंडकरचीफ और शर्ट कॉलर, इतनी सी बात के लिए कि उसका जो हैंडकरचीफ था, उसका रुमाल था, उसको ज़्यादा प्रेस कर दिया उसकी वाइफ ने, या शर्ट का जो कॉलर था उसको ज़्यादा प्रेस कर दिया, मतलब ऑन मेन थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे वो अपनी वाइफ को पीटता है, लेकिन बाहर जाके वो मतलब पूरा लस्ती बनता है, वो उसको वैरायटी ऑफ वुमेन्स चाहिए, फाइव स्टार होटल्स के अंदर जाके वो रहता है, मतलब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है कि वहाँ पर वो कैसा बिहेव करता है और घर पर वो कैसा बिहेव करता है। थोड़ी सी बोल्ड पॉइंट है, आपको पहले बता दूँ, बहुत ही बोल्ड लिखा है तस्लीमा नसरीन ने। काफ़ी सारी हमारी जो भारतीय भी कुछ ऐसी इंडियंस भी पोइट, जैसे कमला दास है, बहुत बोल्ड लिखती थी, तो इन्होंने भी काफ़ी बोल्ड लिखा है। आगे चलते हैं, फिर भी यहाँ पे एक और कैरेक्टर के बारे में बता रही है, इन इज ऑफिस मिस्टर बिग, यहाँ पे उन्होंने एक नाम लिया है मिस्टर बिग। कहते हैं अपने ऑफिस के अंदर मिस्टर बिग क्या करते हैं, पफ्स ऑन अ सिगरेट, पफ्स का मतलब जो सिगरेट जो पीना होता है ना, ओके, मतलब जब सिगरेट के जो कश लेते हैं प्रॉपर हिंदी में, तो मैं कहूँ तो उसको कश लेते हैं, मतलब पीते हैं, कि मिस्टर जो बिग है वो सिगरेट पीते हैं अपने ऑफिस के अंदर बैठ के, शफल्स थ्रू फाइल्स, वो सिगरेट पीते पीते अपनी फाइलों में वो बंदा उलझ जाता है, शफल्स का मतलब यहाँ पे उलझ जाना, खो जाता है उसमें। रिंग्स फॉर हिज एम्प्लॉय, अब रिंग्स का मतलब वो बैल बजाता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो एक जैसा आप टिपिकल एक ऑफिस सीन देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अपनी ऑफिस के अंदर जब वो बैठता है, पहले वो सिगरेट पीता है और सिगरेट पीता पीता अपनी फाइल्स के अंदर वो उलझ जाता है, फिर वो बेल बजाता है, अपने एम्प्लॉयज को बुलाता है, शाउट्स उन पर चिल्लाता है, डिमांड्स टी, फिर वो कभी चाय मांगता है, ड्रिंक्स
वो शराब भी पीता है एंड रिटर्न्स टू राइटिंग पीपल्स करेक्टर रेफरेंसेज, और दूसरों के करेक्टर्स के करेक्टर के ऊपर वो रेफरेंस देता है, मतलब दूसरों के करेक्टर के बारे में वो लिखता है, मतलब खुद का उस बंदे का करेक्टर कितना गिरा हुआ है कि उसके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं सोचता, उसके बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो दूसरों के करेक्टर्स पर कमेंट्स करता है, दूसरों के करेक्टर के बारे में रेफरेंस देता है, दूसरों के करेक्टर के बारे में वो बताता है, ओके और फिर वो आगे और बताती है, हिज एम्प्लॉय स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस। अब उसके जो एम्प्लॉय हैं, मतलब उसके जो वर्कर्स हैं, उसके नीचे जो काम करने वाले हैं, उनके साथ वो क्या करता है, स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस, उनसे वो बड़ी लो वॉइस में बात करता है, देन नो वन वुड एवर सस्पेक्ट, ताकि किसी को भी उसमें शक ही ना हो कि वो ऐसा, मतलब उसका इतना ज़्यादा वॉयलेंट नेचर होगा उसका, क्योंकि घर पे जाके तो आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ स्टैंडा में, स्टैंजा के अंदर, कि वो अपनी वाइफ को पीटता है छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन जब वो ऑफिस के अंदर होता है तो वो अपनी एम्प्लॉय से बड़ी लो वॉइस में बात करता है, मतलब खुद को बड़ा वो मैनरफुल दिखाता है ताकि किसी को शक ना हो। How at home he also raises his voice, लेकिन घर पे वो किस तरीके से अपनी आवाज को रेज करता है ऊंचा, मतलब चिल्लाता है घर वालों पे, is vile to his family, vile का मतलब यहाँ पे कि वो गंदा poisonous बिहेव करता है, वो जहरीला व्यवहार करता है अपने फैमिली के साथ में, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बड़ा लोगों से हंस मिल के बात करता है। But with his buddies on the porch or at a movie indulges, और कह रहे कि लेकिन जो उसके बडीज हैं, मतलब जो उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जब वो किसी पोर्च में खड़ा होता है, पोर्च का होता है जब किसी वो बालकनी में खड़ा होता है, एट अ मूवी, या वो मूवी देख रहे होते हैं, इंडल्जेस इन लाउड हैरिंग यूज ऑन पॉलिटिक्स, तब कहता है वो ऊंची ऊंची आवाज में पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, आर्ट कला के बारे में बात करते हैं, लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, एंड हाउ सम फीमेल हिज मदर, और वो कुछ औरतों के बारे में बात करते हैं, कैसे कहता है कि किसी औरत हिज मदर, उसकी माँ ने, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी, ग्रेट ग्रैंड मदर, उसकी जो पड़दादी थी, कमिटेड सुसाइड, कि कैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया, मतलब वो औरतों का किस तरीके से वो मिलके आपस में फ्रेंड्स मिलके मजाक उड़ाते हैं, तो वो बातें करते हैं कि किस तरीके से एक और यहाँ पे सुसाइड एक सिंबल ले सकते हैं आप इसको, वो भी बातें करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं, लिटरेचर के बारे में बातें करते हैं, आर्ट पे बातें करते हैं, किस तरीके से एक औरत ने आत्महत्या कर ली, उसकी माँ ने भी कर ली, उसकी दादी ने भी कर ली, उसकी पड़दादी ने भी कर ली, वो इस तरीके की बातें करते हैं जब वो फ्रेंड्स होते हैं या जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है, लेकिन जब वो घर पे जाता है तो अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही गंदा बिहेव करता है, अपनी वाइफ को वो पीटता है और छोटी छोटी बातों के लिए वो उस पर गुस्सा करता है, ओके आगे देखते हैं। फिर कहता है बिडिंग गुड बाय टू हिज बडीज, और जैसे ही कहता है वो अपने बडीज को गुड बाय बोल देता है, मतलब उनसे वो अलविदा कह के आ जाता है, मतलब वो घर आ जाता है, लिखा ना आगे ही रिटर्न्स होम, जब वो उनको गुड बाय बोल के उनसे अलविदा लेके घर आता है, बीट्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को पीटते हैं ओवर ए बार ऑफ सोप, छोटे से साबुन के किसी मुद्दे के लिए, बार ऑफ सोप का मतलब साबुन के नाम पर, कि मतलब साबुन रखा नहीं है, या हो सकता है कि साबुन घिस गया था, नया पीस नहीं रखा उसमें, तो छोटी सी साबुन की बात के लिए वो अपनी वाइफ को पीटता है, और बेबीज निमोनिया, और या उसके छोटे बच्चे को अगर निमोनिया है तो वो पीटेगा कि तू उसकी देखभाल नहीं करती है, मतलब उस पर किसी ना किसी तरीके से उसने वॉयलेंस करनी है, हिंसा करनी है उसने अपनी वाइफ पर। वही आदमी जो बाहर दोस्तों के साथ में जब घूमता है, कॉकटेल पार्टीज करता है, पॉलिटिक्स के बारे में बातें करता है, आर्ट के बारे में बातें करता है, तो वही आके अपनी वाइफ के साथ में कितना बुरा बिहेव घर पे करता है। फिर कहता है नेक्स्ट डे एट वर्क, अगले दिन फिर वो जब काम पे जाता है, ही प्लेजेंटली ब्रिंग्स द टी, और वो मतलब बड़े ही यू नो प्लेजेंटली वे में बड़े हैप्पीली वो चाय मंगवाता है, कीप्स द लाइटर इन हिज पॉकेट, वो अपनी पॉकेट के अंदर एक लाइटर रखता है, लाइटर समझते ना, जो मतलब देखा होगा आपने अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि जो सिगरेट वगैरह सिगार वगैरह को जलाने के लिए यूज किया जाता है, रिसीव्स अ टिप ऑफ अ कपल ऑफ टका, और टका यहाँ पे क्या है, टका बांग्लादेश की करेंसी है, जैसे भारत की क्या है इंडियन नेशनल रुपीज है ना, वैसे ही बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है, और कह रहे हैं कि कुछ टका यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जब एक इंसान है वो आगे जाके सर्वर बनता है, मतलब दूसरों को वो चीज़ें सर्व करता है, वो किसी के मंगाने पर चाय लेके आता है, अपनी पॉकेट में लाइटर रखता है, और जब उसको कुछ टका टिप मिलती है ना तो वो बड़ा खुश होता है, मतलब यहाँ पे एक वेटर की बात हो रही है कि जब वो इंसान एक वेटर बनता है ना तो वो दूसरों के लिए क्या करता है, एक जो वेटर यहाँ पे, अब जो पोइम के लास्ट में एक ऐसे मेल का कैरेक्टर लिया गया है जो कि एक वेटर है, कह रहा है कि जब उससे कोई चाय डिमांड करता है तो वो चाय लेके आता है, अपनी पॉकेट के अंदर वो लाइटर रखता है, और सुना अगर आपने कि वेटर को टिप देते हैं, तो जब उसको टिप मिलती है कुछ टका, वो बड़ा खुश होता है। फिर कहते हैं
एंड टेल्स नो वन दैट ही डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ फॉर हर स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब बांझपन होता है, और वो किसी को नहीं बताता कि उसने अपनी पहली वाइफ को, अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है, उसको तलाक दे दिया। किस लिए? क्योंकि वो बांझ थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। इन सेकेंड फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर, उसने अपनी दूसरी वाइफ को भी छोड़ दिया था क्योंकि उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। ये भी देखो हमारे समाज की एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, बड़ा ही एक मतलब गंदी थिंकिंग है कि बेटा ही होना चाहिए। तो उसने अपनी दूसरी वाइफ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी एक बेटी पैदा हुई थी। इज थर्ड नॉट ब्रिंगिंग अ सफिशियंट डाउरी, और उसने अपनी तीसरी पत्नी को भी छोड़ दिया क्योंकि वो दहेज नहीं लेके आई थी। डाउरी का मतलब दहेज। पहली पत्नी को छोड़ा क्योंकि वो स्टेरिलिटी से पीड़ित थी, उसको बांझपन था, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। फिर दूसरी वाइफ को छोड़ा क्योंकि उसने बच्ची पैदा कर दी, और तीसरी वाइफ को छोड़ दिया क्योंकि वो डाउरी नहीं लेके आई थी, वो दहेज नहीं लेके आई थी। नाउ विद वाइफ नंबर 4 ही अगेन हैज समवन, अब उसने चौथी शादी की है जो वाइफ नंबर 4 है उसकी। ही अगेन हैज समवन टू बीट ओवर अ ग्रीन चिली और अ हैंडफुल ऑफ राइस, वो उस पर भी बात बात पे गुस्सा करता है, चाहे वो ग्रीन चिली की बात हो चाहे हैंडफुल राइस। मतलब यहाँ पे चिली और राइस का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातें जो घरेलू बातें होती है ना, ओके कि दाल में मिर्ची ज़्यादा डल गई, इसमें नमक कम है, राइस पके नहीं है, ऐसे नहीं है, उसमें प्याज नहीं डाला, जैसा कि टिपिकली एक बंदा नखरे करता है ना, तो वो वैसे कह रहा है कि वो छोटी छोटी बातों पर जो डोमेस्टिक बातें होती हैं उनको लेकर अपनी वाइफ को पीटता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, तस्लीमा नसरीन के द्वारा कंपोज की हुई। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और एक स्टेरिकल अटैक जो था वो आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार हम आज कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, हम इतना डेवलप हो गए हैं, लेकिन आज भी उस डेवलप के पीछे क्या चल रहा है। औरतों के साथ में या छोटे बच्चों के साथ में वैसा ही बिहेव हो रहा है, वैसे ही औरतों को पीटा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाते हैं, उनको विक्टिमाइज किया जाता है। तो इसी पॉइंट को लिफ्ट अप किया था तस्लीमा नसीन ने अपनी इस पॉइंट के अंदर, उसने मेल्स के अलग अलग करेक्टर को हमारे सामने एक्सपोज किया है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आई होगी, बहुत ही बोल्ड पॉइंट थी। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।